भारत गौरव ट्रेन दक्षिण भारत की यात्रा के लिए 28 अक्टूबर से चलाई जाएगी। इस गाड़ी की यात्रा 8 नवंबर को समाप्त होगी। 10 दिन में ये ट्रेन गोरखपुर से नागपुर होते हुए कन्याकुमारी तक जाएगी। ये ट्रेन प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराएगी। गोरखपुर से भोर में 4 बजे ट्रेन की यात्रा शुरू होगी। ये मनकापुर, अयोध्या कैंट, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ जंक्शन, प्रयागराज संगम, रायबरेली, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, उरई, रांगना, लक्ष्मीबाई जंक्शन, ललितपुर होते हुए दूसरे दिन बिना RC नागपुर पहुंचेगी। तीसरे दिन विजयवाड़ा जंक्शन, रेनी गुंटा, काठपाड़े, विल्लुपुरम, तिरुचिरापल्ली जंक्शन, कुदाल नगर से मुदरई पहुंचकर पार्टी हाल्ट होगा। 1 नवंबर को कुदाल नगर से चलकर तिरुनेवेली कन्याकुमारी में पार्टी हाल्ट होगा। तिरुनेवेली से 6 दिन तिरुचिरापल्ली, विल्लुपुरम, काठपाड़ी से रेनुगुंटा में पार्टी हाल्ट होगा। 8वें दिन 5 नवंबर को कुड्डापा नंथाल मरकापुर में पार्टी हाल्ट के उपरांत ट्रेन चलेगी। 9वें दिन गुंटूर से कृष्णा कैनाल, विजयवाड़ा, बालाहार शाह, नागपुर, इटारसी, बीना, ललितपुर से वीरांगना, लक्ष्मीबाई जंक्शन, उरई से कानपुर सेंट्रल होते हुए लखनऊ से रायबरेली, प्रयागराज संगम, माँ बेल्हा देवी धाम, प्रतापगढ़ जंक्शन, सुल्तानपुर, अयोध्या कैंट, मनकापुर के रास्ते गोरखपुर पहुंचकर यात्रा समाप्त होगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रेलवे पंकज कुमार सिंह ने कहा, भारत गौरव ट्रेन लगातार हम लोग चला रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड इस क्षेत्र में बनी हुई है और इसके माध्यम से बहुत ही इकोनॉमिकल फेयर्स इसके रखे जाते हैं जिससे जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो तीर्थ यात्राओं पे जा पा रहे हैं या पर्यटक स्थलों पे जा पा रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक और भारत गौरव ट्रेन यहाँ से चलाई जा रही है जो 28 अक्टूबर को चलाई जाएगी और 10 दिनों की यात्रा इस ट्रेन से होगी और 8 नवंबर को ये यात्रा समाप्त होगी। वो दक्षिण भारत की यात्रा है। इसमें जो है गोरखपुर से 28 अक्टूबर को 4 बजे डिपार्ट करेगी ट्रेन, मनकापुर से 6 बजे, अयोध्या कैंट से 7 बजे, सुल्तानपुर से 8:25, माँ बलहा देवी धाम, प्रतापगढ़ जंक्शन से 9:35, प्रयागराज संगम से 20:10, रायबरेली से 14:55, लखनऊ से 16:30, कानपुर सेंट्रल से 18:30, उरई से 19:45, वीरांगना लक्ष्मीबाई से 21:50, ललितपुर से 23:10। इसी प्रकार दूसरे दिन का पूरा शेड्यूल है जो आप लोगों को जारी किया गया है कि ये ट्रेन कैसे कैसे जाएगी और किन किन स्थानों पे रुकेगी, इसका पूरा शेड्यूल आप लोगों को जारी किया गया है और इससे जो यात्री हैं उनको दक्षिण भारत के जो प्रमुख स्थल हैं वो देखने का लाभ उठा सकेंगे। इसके पहले भी जो यात्राएं भारत गौरव की हुई है वो सफल रही है और ये भी एक सफल यात्रा होगी। लगातार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल भारत गौरव ट्रेन चला रहा है।